अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था हमारे चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, और कंटिन्यूटी में आज का एक और लेक्चर हम रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, जो कि हमारे पास पहला टॉपिक होगा इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे जो है वो बुद्धपुर नामी जगह है, वहाँ पर लेबॉरेटरी में 1895 में नवम्बर में विलियम कॉनराड रंटगेन ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया या ये लेबॉरेटरी थी उनकी रंटगेन की, जिसमें वो काम करते थे, और इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। कैथोड रे ट्यूब भी उसने यूज की, कैथोड रे ट्यूब उसने ली, और इस ट्यूब के अंदर उसने जो चेंजिंग की वो ये की कि पूरा एक्सपेरिमेंट वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला ही है। आप देख रोशनी थी वो अब इस ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती थी, यानी कि उसकी लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती थी, और ब्लैक इसके ऊपर यहाँ पर एक शीट लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। उसने एक्सपेक्ट किया कि अब इसमें से कोई रोशनी या रेज नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसके ऊपर इसने कवर कर दिया था ब्लैक पेपर, ब्लैक शीट से। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एनोड की साइड पर कुछ स्पॉट मिल रहा है। तो उसने कहा कि बावजूद इसके कि मैंने इस शीट को कवर कर दिया था, इससे वो कुछ रेज इसको क्रॉस करके भी आ रही हैं, जो कि कैथोड रेज तो हो नहीं सकती, क्योंकि कैथोड रेज तो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर, शीट के अंदर। तो उसने कहा कि जो रेज आ रही हैं ये जो नेचर की हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, हाई फ्रिक्वेंसी की, और इसीलिए इस शीट को भी वो क्रॉस करके नज़र आ रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब ये क्यों रेज निकल रही है इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये रेज इसलिए निकल रही हैं कि जब आप मान लिया कि जो एनोड है उसके जो जिस मेटल से वो बना है वो मेटल का एटम ये है। ठीक है, अब हम इस मेटल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बीम मारते हैं, यानी कि जो कैथोड से रेज निकल रही हैं वो एनोड पर आकर टकरा रही हैं, और एनोड के ये एटम है, यानी कि कैथोड से निकलने वाली रेज कहाँ टकरा रही होंगी, एनोड के इस एटम पे टकरा रही होंगी। जब यहाँ आएंगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का अगर ये टकराती है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये बाहर ले जाएगी। जब ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो अब इसकी जगह हो जाएगी खाली, इसकी जगह खाली होने की वजह से यहाँ बाहर का जो कोई एटम है इसकी जगह आएगा। मिसाल के तौर पर ये वाला एटम इसकी जगह, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आएगा, एटम बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह, क्योंकि ये चला गया, ये कैथोड रेज लगाने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया तो अब इसकी जो जगह है खाली हो गई, और इस जगह को जो खाली हो गई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये न्यूक्लियस जो है उसकी पावर पर डिपेंड करेगा वो कितनी पावर से इसको रिटर्न वहाँ पर खींचता है। जब ये इस पावर जितनी पावर से उसको यहाँ खींचेगा उस किस्म की एक लाइट इसमें से निकलेगी, यानी कि एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी इसमें से ये निकलेगी ये कहलाती है हमारे पास एक्सरेज। बात समझ में आ गई होगी, फिर दोबारा बताता हूँ कि एक्सरेज क्या है हमारे पास। जब हम कैथोड रेज को एनोड पर टकराते हैं तो ये एटम है एनोड का, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब बीम आकर इधर टकराती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, ये वैकेंट पोजिशन खाली, ये वैकेंट पोजिशन हो जाएगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह लेगा तो इतना एनर्जी चेंज जो आएगा वो एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एक्सरे की सूरत में निकलेगी, और वो डिपेंड करेगी इस न्यूक्लियस की पावर पे। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की पावर होगी वो उतनी ज़्यादा पावर से उसको अट्रैक्ट करेगा, और जितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी। तो जितना हैवी न्यूक्लियस होगा, जितना पावरफुल न्यूक्लियस होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा एक्सरेज ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की निकलेंगी, यानी कम वेवलेंथ की निकलेंगी, और जितना कम मास का होगा, मास का होगा उसकी उतनी ही बड़ी वेवलेंथ होगी और कम फ्रिक्वेंसी की एक्सरेज बाहर निकलेंगी। इस तरह एक्सरेज के बारे में देखा गया कि अगर उसके सामने आप कोई पतली सी कोई मेटल की शीट लगा दें और यहाँ से अगर एक्सरेज निकल रही है, तो अगर इसका इमेज यहाँ लेंगे तो जब यहाँ यहाँ से
निकलेंगी तो हाफ साइड पे जो है वो मेटल रख दिया, हाफ साइड को डायरेक्ट आने दिया, तो इसमें से तो बिल्कुल ही क्लियरली बाहर बगैर कोई रास्ता ही कोई चीज़ है ही नहीं, तो डायरेक्ट इस पर आकर इसका इमेज बन जाएगा। लेकिन इसमें से जब ये निकलेंगी तो इसमें से कुछ रेस इसमें रुकेंगी और बाकी रेस क्या होंगी इसमें से जो पास होंगी उसका इमेज यहाँ आ गया। तो इस तरह जो है वो मेटल की शीट का अभी एक इमेज पीछे बन गया, जिसकी वजह से आगे और स्टडी किया गया। अब मुख्तलिफ शीट्स लगा दी गई, सबसे पहले सबसे पतली शीट यहाँ है, फिर डबल हो गई, फिर ट्रिपल, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर बढ़ती गई। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो थिकनेस है और यहाँ सबसे कम थिकनेस है, और पीछे उसने प्लेट लगा दी जहाँ पे इसका इमेज बनेगा। जब यहाँ से एक्सरे निकली तो यहाँ तो सबसे कम जो है वो थिकनेस है, तो यहाँ से तो मैक्सिमम अमाउंट में एक्सरेज निकल गए, इसका इमेज बिल्कुल क्लियर आया। लेकिन जिस तरह ये हमारे पास हल्के हल्के बढ़ता चला जाएगा, थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, इमेज डार्कर होता चला जाएगा, ठीक है। किसी को जब उन्होंने हैंड पे अप्लाई किया हाथ के ऊपर, तो पता लगा कि हाथ में जो हमारा जो मांस गोश्ता होता है उसके अंदर डेंसिटी कम होती है, और जो हड्डियाँ हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से रेस जब हाथ के ऊपर पड़ी तो जो हड्डियों का इमेज है वो डार्क बना, क्योंकि हड्डियाँ ज़्यादा एनर्जी को रोक लेंगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को रोक लेंगी और कम को जाने देंगी, इसलिए डार्क इमेज बना। और जो बराबर में हमारे पास मास है उसका लाइटर इमेज बना, ठीक है। इस तरह ये टेक्निक जो है वो मेडिकल साइंस में अहम किरदार अदा करने लगी, क्योंकि इससे पहले तो बॉडी के अंदर देखने के लिए कट लगाना पड़ता था, और इससे क्या फायदा हुआ कि बगैर कट लगाए आप अंदर देख सकते थे। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की हमारे पास रोटेजन ने, और प्रॉपर्टीज क्या थी कि बाय द एंड ऑफ द 1895 रोटेजन डिस्कवर सम प्रॉपर्टीज, जिसमें उसने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, फिर उसके बाद उनका जो एब्जॉर्बेंस है वो मैटर में होंगे कुछ अमाउंट में होती है, और ये फोटोग्राफिक रेट वो इफेक्ट शो करती है। रिलेशनशिप क्या था इसमें, अगर जो रिलेशनशिप इन्होंने बनाया न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से, उसके बाद जो है वो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई, उससे पहले एटॉमिक मास के जरिए जो है वो पहचाना जाता था एटम को, क्योंकि कार्बन 12 का मास और कार्बन 12 के नाम से पहचाना जाता था, और कार्बन 13 क्लोरीन 17 इस तरह जो उसका मास था 35.5 सॉरी उसके मास से एटम पहचाने जाते थे। लेकिन बाद में जब ये डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियर चार्ज का जो है वो इफेक्ट सामने आया, जब न्यूक्लियर चार्ज का टॉपिक समझ में आया तो पता लगा कि एटम जो है वैसे भी उसके अंदर एक और करेक्टर होता है जो कि उसका प्रोटॉन नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर के नाम से बाद में जाने लगा, जो कि मोज़ले ने बताया इन 1911 में। मोज़ले ने क्या किया कि ये मुख्तलिफ एनोड चेंज करना शुरू किए एक्सरे में, जब मुख्तलिफ एनोड चेंज करना शुरू किए तो उसको ये बात पता लगा कि हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद क्या है वो डिफरेंट है। कैसे पता लगा, क्योंकि हर न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट था उसके अंदर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता था मिसाल के तौर पर कम मास का अगर एलिमेंट लगाते थे एनोड में तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम आती थी एक्सरेज की, और जब ज़्यादा मास का लगाते थे उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आती थी। क्यों आ रही थी ये, इसलिए आ रही थी कि मैंने पहले ही बताया था, मैं आइटम को डिस्कवर के बारे में आपको बता रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो न्यूक्लियस जो है वो पावर से अट्रैक्ट, जितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो जितना मास ज़्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, और वो उतनी पावर से क्या करेगा जो वैकेंट पोजिशन इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और उतने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जितना मास बढ़ता चला जाएगा, जितना प्रोटॉन नंबर बढ़ता चला जाएगा, उतनी क्या होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी बढ़ती चली जाएगी एक्सरेज की, ठीक है। इसीलिए प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन नंबर डिस्कवर हुआ, और मोज़ले ने बताया कि हर एटम का प्रोटॉन नंबर क्या होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए उसकी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है हर किसी एलिमेंट की वो डिफरेंट आ रही है, तो फिर एटॉमिक नंबर इस तरह डिस्कवर हुआ, ही कॉल्ड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज अ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बयान किया, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि उसने कहा कि एक वक्त में अगर एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन की एक ही वक्त में अगर आप मालूम करना चाहो पोजीशन और उसका मोमेंटम जो नामुमकिन है, एक साथ मालूम नहीं किया जा सकता, अगर एक को मालूम करेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, यानी गैर यकीनी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक करेक्टर जो हमारे पास उसका मोमेंटम है वो मेगा करेक्टर है, बड़ा करेक्टर है,
मोमेंटम ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होती है उसकी, तो मोमेंटम भी ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है उसका, ठीक है। मास का मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मोमेंटम ज्यादा होता है हमारे पास किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन लेकिन क्या जो पोजीशन है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि पोजीशन जो है वो छोटी क्वांटिटी है और जो मोमेंटम है वो एक बड़ी मेगा क्वांटिटी है। तो माइक्रो क्वांटिटी और मेगा क्वांटिटी एक साथ कभी मालूम नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर एक मालूम करने जाएंगे तो दूसरे में आपको मुश्किल का सामना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप की एक मैं जनरल एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपने वेट करना है सोने को, गोल्ड को, तो गोल्ड अगर वेट करना चाहो आप तो आप करते हो अपना फिजिकल बैलेंस के अंदर वेट। अगर मैं कहूँ उसके अंदर मुझे एक टन सरिया भी तोड़ दो, तो एक टन सरिया अगर उसका साथ तोड़ा जाएगा तो गोल्ड की जो हमारे पास अमाउंट है वो अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि वो तो कुछ ग्राम्स में है, उस ग्राम को नोटिस नहीं किया जा सकता। अगर हम एक टन को वेट कर रहे हैं, टनों में वेट कर रहे हैं, तो ग्राम जो है वो नोटिस करना मुश्किल हो जाएगा, उसके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो मेगा क्वांटिटी के साथ माइक्रो क्वांटिटी और माइक्रो क्वांटिटी के साथ मेगा क्वांटिटी कभी भी एक साथ फाइंड नहीं की जा सकती। तो उसने कहा कि जो हमारे पास पोजीशन है वो माइक्रो क्वांटिटी है और जो मोमेंटम है वो मेगा क्वांटिटी है, तो दोनों का साइमल्टेनियसली मालूम करना नामुमकिन है, एक साथ मालूम नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली ऑफ एग्जैक्ट पोजिशन एंड द वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ एन एटम पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो उसने शुरू किया, किसने ये शो किया, अपने पोजीशन से और ये किया मोमेंटम से, तो यानी कि ये जिन पोजीशन है जिन मोमेंटम है तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते किसके, एच अपॉन टू पाई के, ठीक है। तो उसने बता दिया कि यहाँ पर जो एक्स है वो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल वैल्यू है और जो डेल्टा पी है यानी कि मोमेंटम है वो एक लार्ज वैल्यू है, इसलिए दोनों को एक साथ मालूम नहीं किया जा सकता, यही सब कुछ यहाँ लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे एच बता रहा है प्लैंक कांस्टेंट है और टू पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। कंक्लूजन क्या हुआ इस एटम पर के इस प्रिंसिपल को शो करने का, उसने कहा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कभी रेस्ट पोजीशन में नहीं आता, वो मुझसे मूव करता रहता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो मूव करता रहेगा तो एनर्जी भी जीरो नहीं हो सकती। और पार्टिकल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन, और पोजिशन मालूम करना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जब वो मूव कर रहा होगा तो वो पार्टिकल के सिरप में नहीं होता, वो वेव सूरत में होता है और वेव की पोजिशन मालूम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल, ये हमारे पास एक और नया टॉपिक है। हमने अभी सबसे पहले एक्सरे किया, फिर हाइजेनबर्ग किया, और अब हमारे एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल के ऊपर, ठीक है। एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल क्या है हमारे पास, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अतराफ में शेल्स होते हैं, वो उसकी एनर्जी लेवल होती है। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, वो एनर्जी लेवल है हमारे पास। पढ़ लेते हैं एनर्जी लेवल्स क्या है कि ऑल पॉसिबल पार्ट ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। दीज शेल आर एनर्जी लेवल्स आर डिजाइनेटेड एज 1, 2, 3, आप उसको कहते हैं 4 कहते हैं, KLMN ये कहते हैं आप इसको, ठीक है। सब एनर्जी लेवल क्या है कि इन्हीं जो सर्कुलर पार्ट है इनके अंदर हमारे पास कुछ जो है वो इसके मजीद जो है वो सब एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि उनको भी मजीद जो है वो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, मेन एनर्जी लेवल्स कंटेन सब एनर्जी लेवल, जो मेन एनर्जी लेवल होता है वो कंटेन करता है कुछ सब एनर्जी लेवल। मिसाल के तौर पर अगर एक फ्लोर है आपके घर का, तो उस फ्लोर को अगर आप एनर्जी लेवल मान लें, और अगर 3-4 फ्लोर होंगे तो चारों फ्लोर जो है वो अगर आप एनर्जी लेवल को एज्यूम कर लें तो हर फ्लोर के ऊपर रूम्स होंगे, जो रूम्स हैं वो सब एनर्जी लेवल, ठीक है। द डिफरेंट मेन एनर्जी लेवल हैव डिफरेंट सब एनर्जी लेवल, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल में पहला एनर्जी लेवल जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक एनर्जी लेवल होता है, एस एस ऑर्बिट टाइप्स एस पी डी एफ है, तो पहले वाले में सिर्फ एस होता है, दूसरे वाले में एस पी दोनों होते हैं, तीसरे वाले में एस पी डी एफ होते हैं, और चौथे तीसरे वाले में एस पी डी होते हैं, और चौथे वाले में एस पी डी एफ होते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, तो पहले ऑर्बिट यानी पहला एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर सिर्फ एक रूम की जगह यानी कि एक रूम ही होता है ऑर्बिटल का, और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं, इसमें एस और पी दोनों ऑर्बिटल टाइप हमें मिलती है। पहली ऑर्बिटल टाइप हमारे पास जो है उसके अंदर एक ही रूम होता है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, और पी के अंदर तीन रूम्स होते हैं तो इसीलिए इसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर रूम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये दो और ये छह जो है हमारे टोटल एट इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरे ऑर्बिट में एस पी डी एफ तीनों इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, सब ऑर्बिटल्स यानी कि ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर एस के अंदर तो एक ही होता है, पी के अंदर तीन रूम होते हैं और डी के अंदर फाइव, ये ऑड नंबर में बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एस में सिर्फ एक है तो दो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसमें तीन होते हैं तो छह और इसमें पांच होते हैं तो दस इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबल हो जाते हैं, हर रूम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। चौथा ऑर्बिट जो है एसपी डी एफ तीनों चारों आ जाते हैं, और एस में जो है वो एक है तो दो इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन है तो छह इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर पांच है तो दस इलेक्ट्रॉन, इसमें सात रूम है तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। आपके सिलेबस में जो है वो दो टाइप की जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की शेप डिस्कस की गई है, और इसके अलावा डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल को डिस्कस नहीं किया गया ज्यादा, मुझे कॉम्प्लेक्स लगता है। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास, तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ये मौजूद होता है और एटम इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, एटम के अंदर जो एस ऑर्बिटल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो न्यूक्लियस के अतराफ में कर रहे होते हैं, तो उस दोनों की पोजीशन जो है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास ये ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर जो एक्सिस है वो डिफ्यूज हुए होते हैं, और जैसे कि एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस करीब होगा, पी और जो टू एस ऑर्बिटल है वो उससे ज्यादा दूर होगा, और जो थ्री एस ऑर्बिटल है वो उससे ज्यादा दूर होगा। इससे क्योंकि दूर होने की वजह से इनका ऑर्बिटल साइज तो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ऑर्बिटल में दो ही पुट किया करते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखे जा सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं पी ऑर्बिटल की शेप पे। पी ऑर्बिटल की शेप डबल शेप होती है। डबल शेप कैसे होती है हमारे पास, कि अगर आपने डबल यूज किया है तो दो साइड से होता है हमारे पास जो है वो प्लेट होता है, और दरमियान में जो हमारे पास होता है उसको ग्रिप करने की जगह होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है उसके दो लूप्स होते हैं, पेटल लाइक लूप्स, और उन पेटल लाइक लूप्स के दरमियान में जो है वो उससे जुड़े हुए होते हैं पेटल्स की तरह, और जो बीच में जुड़े होते हैं उसको कहते हैं नोडल प्लेन, उसे कहते हैं नोडल प्लेन। आगे देखते हैं हमें पता लगेगा अगले लेक्चर में। और हर लूप में ये एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस अगर ये है तो दो लूप इसके साथ जैसे जुड़े हुए हैं, बीच में इसके नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे ये मौजूद है तो वाई एक्सिस पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ इस नोडल प्लेन से कनेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहाँ पे तकरीबन जीरो होगी, नोडल प्लेन पे अपने अपने जगह पर मूव करते रहते हैं, इसी तरह ये जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास, डबल लाइक शेप या फिर दो पैटर्न्स को कनेक्ट किया हुआ है दरमियान में एक छोटी सी बॉल से जो कि नोडल प्लेन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास इसीलिए पी ऑर्बिटल के जो डिफरेंट और तीन ऑर्बिटल होते हैं, मैंने पहले भी कहा तीन रूम होते हैं, तो एक कहलाता है पी एक्स, दूसरा कहता है पी वाई, और तीसरा कहता है पी जेड। अच्छा, अब आ जाते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बाद हम आते हैं क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वांटम नंबर क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच क्लियरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर, ठीक है। बेसिकली हर किसी शख्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, इसी तरह एटम में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे हाइड्रोजन की तरह एक हो, चाहे क्लोरीन की तरह 17 हो, तो हर किसी का एक नंबर लाजमी मौजूद होगा, एक एड्रेस लाजमी मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर फला शख्स फला एरिया में रहता है, फला स्ट्रीट पे रहता है, फला घर के नंबर में रहता है, और फला रूम में रहता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी जो है वो एड्रेस एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के हिसाब से, यानी कि क्वांटम एनर्जी के हिसाब से उसको नंबर दिए जाते हैं, और उस नंबर की मदद से पता लगता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी स्टेट मौजूद है। कैसे पता लगता है, इसके चार टाइप्स हैं हमारे पास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम वन से रिप्रेजेंट एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एस से, किसी का एरिया मान लेते हैं, किसी का जो घर का एरिया है उसमें जो उसका सेक्टर है, स्ट्रीट है, उसका हाउस नंबर है, इस तरह हम डिफाइन पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी क्या होगा। इस पर क्वांटम नंबर को देख लेते हैं,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस ऑर्बिट में मौजूद है ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में। कहीं पे लिखा है n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मौजूद है, n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मौजूद है, n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस ऑर्बिट का एड्रेस आपको दे देगा, ठीक है। ऑर्बिट पता करने के बाद मिसाल के तौर पर अगर ये ऑर्बिट पहला ऑर्बिट है, पहला यानी कि इसको बता देगा कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मौजूद है, यहाँ पे चल रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 3 में मौजूद है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये करेगा भाई ऑर्बिट है, ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स भी हैं, तो कौन से ऑर्बिटल में है, मिसाल अगर तीसरा ऑर्बिट है तो sp है, pp है और db है, s में है, p में है, d में है, ये बताएगा हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ये बताएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द l, l से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक इंडिकेटर शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप बताता है हमारे पास ये, द वैल्यू ऑफ L गिव्स द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस करता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहीं L इज इक्वल टू लिखा हुआ अगर 0 तो इसका मतलब क्या होगा S ऑर्बिटल, अगर कहीं लिखा है L इक्वल टू 1 इसका मतलब होगा P ऑर्बिटल, अगर 2 लिखा है तो D ऑर्बिटल, और 3 लिखा है तो 4 ऑर्बिटल। मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ आ जाता है आपके पास N इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1, तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होगा कि n इज इक्वल टू 2 मतलब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, l इज इक्वल टू 1 मतलब उसके p ऑर्बिटल में मौजूद है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हो कि s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल होती है, दोबारा बताया गया कि s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू इस्तेमाल होती है वो हमारे पास क्या होती है, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 फॉर p ऑर्बिटल, ये डबल डबल शेप जो है वो f ऑर्बिटल की होती है, और d ऑर्बिटल की होती है l इज इक्वल टू 2, और हमारे पास जो ये वाली फॉर्म होती है ट्रिपल x वो उसकी होती है f ऑर्बिटल की होती है। ये दोनों ऑर्बिटल आपके पास अभी डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर के हवाले से और हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर l इज इक्वल टू 0 है तो हम मान लेते हैं वो s ऑर्बिटल होगा, कौन सा सब एनर्जी लेवल होगा, s, s का मतलब होता है शार्प, ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि प्रिंसिपल यानी p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, और ये डंबल शेप का होता है हमारे पास। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है डिफ्यूज यानी d ऑर्बिटल है, ये क्लोवर लीफ की तरह होता है हमारे पास, और जो हमारे पास ये जो 3 है, अगर l इक्वल 3 है इसका मतलब है f ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल पे एक टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हम अभी डिस्कस फिलहाल नहीं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, अब आ गए हमारे पास, देखिए हमने बात कर ली कि हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लग गया, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, l इज इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, लेकिन p ऑर्बिटल में भी 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, तो आप किसकी बात करते हैं, px की, py की, pz की, वो आपको बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो इसका पी ऑर्बिटल है तो इसके नंबर हमारे पास इस तरह होता है -1, 0, +1, जो आप नंबर इसका सिक्योर होगा px के लिए, py के लिए और pz के लिए, ठीक है। ये पिक्चर दिखाई गई है इसी हवाले से हमारे पास py, px और py, x और z के हवाले से। अब यहाँ पर बताया गया कि l इज इक्वल टू अगर 0, l इज इक्वल टू 0 हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होंगे, और वैल्यू जो n की होगी वो 0 होगी, क्योंकि ऑर्बिटल अगर एक है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो उसकी ओरिएंटेशन मजीद होती ही नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि एक ही रूम है तो उसकी ओरिएंटेशन बताने की जरूरत नहीं है, px, py, pz तो है, लेकिन l इज इक्वल टू 1 है अगर, तो इसका मतलब है पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में तीन रूम्स होते हैं, अगर तीन रूम्स होते हैं तो इसका मतलब है उसकी तीन ओरिएंटेशंस होती है। एल इज इक्वल टू 2 यानी कि अगर 5 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तो
उसके अंदर पांच ओरिएंटेशन होंगे, और इसी तरह जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल है उसमें सात ओरिएंटेशन होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर ये हुआ कि आपको जरा पता लग गया पहले नंबर से कि आपका ऑर्बिट नंबर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, फिर आपको ऑर्बिटल पता लग गया, मैं कहता हूं कि पी ऑर्बिटल पता लग गया। पी ऑर्बिटल पता लगने के बाद आपको ये मालूम करना है था कि पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लग गया। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता लग गया तो आपको अब फाइनली आपको पता है कि एक ही रूम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास जो है स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से शो करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से शो करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज को। तो इलेक्ट्रॉन या तो मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ से, हम खाली तौर पर अगर कहीं लिखा हुआ है कि एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एंड एन इज इक्वल टू वन और एम इज इक्वल टू प्लस वन और या जीरो, और फिर उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू वन का मतलब पी ऑर्बिटल, एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब पी एक्स ऑर्बिटल, और पी एक्स में स्पिन बताएगा कि कौन सी है, कौन से इलेक्ट्रॉन की है बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वांटम नंबर का टॉपिक। अब ये एक शीट बनी हुई है पूरी, टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर पहला ऑर्बिटल होगा ऑर्बिट होगा तो उसके अंदर से एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, एस ऑर्बिटल इसलिए जीरो, इसके लिए एन की वैल्यू इसलिए क्या होगी जीरो, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसलिए क्या होगा सिर्फ एस एस वन, और इसकी जो ऑर्बिटल नेम होगा वो पहला वाला होगा वन एस होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं वो जीरो एक ही रूप में। अगर एन इज इक्वल टू है, अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा बाकी आपने समझना है। ठीक है, एन इज इक्वल टू टू है तो इस वक्त दो पॉसिबल है, एस भी हो सकता है और पी भी, दूसरे ऑर्बिट में एस भी होता है पी भी होता है, एस होगा तो एन की वैल्यू जीरो ही होगी। ठीक है, और एन इज इक्वल टू ये भी क्या होगा हमारे पास वन एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, तो टू एस होगा ये, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर एल की वैल्यू यहाँ पर आती है वन, तो उस केस में तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, ये टू पी कहलाता है, और इसके अंदर क्योंकि तीन ओरिएंटेशन तीन रूम है तो ये हमारे पास इसमें छह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह आप आगे चलते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, इस टेबल को आपको मजीद समझ में आना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आज हो गए हमारे, अब जो टॉपिक रिमेनिंग रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जितना कराया जा रहा है उसको नोट से पढ़ लें, उनकी प्रैक्टिस आप अपने जो वर्क हो गया उसमें कर लें अच्छे तरीके से, ताकि आपका अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आने का अमल जारी रहे। ठीक है, वरना अगर आप नहीं करेंगे उसको अपनी तरफ से तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।